मिली किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेल का जैम। बेल का जैम बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है और उसकी न्यूट्रिशस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर हम उसे बना कर रख लें तो कभी भी खा सकते हैं, बच्चों को भी आराम से खिला सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बेल का जैम। बेल जिसकी ये निकल जाता है, ये समझिए कि ये अच्छे से पका हुआ है और जिसकी ढेपी ये निकली हुई नहीं रहेगी, इसका ये जो डंठल है ये निकली हुई नहीं रहेगा, तो समझ लीजिए कि ये पका हुआ नहीं है। और इस तरह से पीला होना चाहिए, इस तरह से पीला होना चाहिए। अब मैं इसको तोड़ूंगी, तो तोड़ने के लिए आप कुछ भी ऐसा भारी ले लीजिए। तो इसको आप चारों तरफ से इस तरह से मारिए, ये बहुत इसको ऐसे चारों तरफ से तोड़ना है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसका क्रैक हो गया है अच्छे से। तो अब हम इसको निकालेंगे, बहुत इजीली निकल जाता है, देख सकते हैं ये पका हुआ है, बहुत अच्छा पक गया है एकदम से। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप देख सकते हैं अब इसका पल्प हम इसमें निकाल लेंगे। इस तरह से इसका सारा पल्प हम निकाल लेंगे। पल्प हमने इसके अंदर ले लिया है और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डालना ही पड़ेगा क्योंकि इसका पल्प निकालने के लिए इसके अंदर बीज भी होता है। तो इसके अंदर देखिए मैंने आधा गिलास पानी डाला है और अब इसको हम इसमें पेस्ट बना लेंगे इसका। तो इसका पेस्ट बनाने के लिए हम अच्छे से इसको मसल देंगे, मसल से हाथ से भी मसल सकते हैं आप। इस देखिए इतना पल्प निकल गया, इसमें हम थोड़ा और पानी डाल देते हैं। एक गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है, इस गिलास से इसको अच्छे से मसलने के बाद अब हम इसे छान लेंगे। अब हम इसको छन्नी में डालेंगे और डाल डाल के और इसका पल्प निकालते जाएंगे। इस तरह से ये आराम से पल्प निकल जाएगा सारा। पूरा छन गया, सिर्फ इतना बचा है, इसको हम दूसरे बर्तन में डाल देंगे और देखिए इतना पल्प निकला है हमारा। तो हम इस पल्प को नाप लेंगे कितना है। एक कप हम पल्प डालेंगे इसके अंदर और एक ही कप इसमें चीनी पड़ेगा। अब मैं इसके अंदर एक कप ब्राउन शुगर डाल रही हूँ, एक कप यानी 250 ml। जैम है, चीनी तो ज़्यादा पड़ेगी इसमें, और अगर आप ब्राउन शुगर डालते हैं तो ये ज़्यादा हेल्दी है, अच्छा रहता है हमारे सेहत के लिए। तो अब इसको हम चलाते रहेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर नॉर्मल चीनी जो वाइट चीनी आती है वो डाल सकते हैं, या फिर आप गुड़ डाल सकते हैं इसके अंदर, आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। हम इसको स्लो से मीडियम के बीच में पकाएंगे और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ये एकदम रेडी हो गया, हमारा जैम बनके तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी अच्छी हो गई है। ये देखिए कितना धीरे धीरे गिर रहा है और ये बहुत एकदम गाढ़ा हो गया है और आप इसको देख सकते हैं कितना गाढ़ा हुआ है ये, और दोनों एक साथ इकट्ठा नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है इसमें, मतलब ये रेडी हो गया है और देखने में भी जैम जैसा दिखने लगा है। अब इस कंडीशन में हम इसके अंदर डालेंगे सिट्रिक एसिड। आप देख सकते हैं हमारा जैम बनके तैयार हो गया है और ये बहुत अच्छा बनके रेडी हुआ है। तो अब हम जब हम अभी गैस पर से उतारने से पहले मैं इसके अंदर सिट्रिक एसिड डालूँगी। ये मैंने आधा 1/4 टेबल स्पून लिया है, 1/4 टीस्पून लिया है,
अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो 4 से 5 नींबू का रस डाल सकते हैं आप इसके अंदर। ये खट्टे के लिए होता है और ये प्रिजर्वेटिव भी होता है, इसकी वजह से ये ख़राब नहीं होता। तो आप इसके अंदर डाल दीजिए और डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अगर आप नींबू का रस डाल रहे हैं तो उसको पकाना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए, क्योंकि नींबू का पानी, नींबू का 4-5 नींबू का रस डालने पे ये पतला हो जाएगा ना हमारा जैम, तो उसके लिए उसके अंदर डालना पड़ेगा, उसको अच्छे से पकाना पड़ेगा। लेकिन सिट्रिक एसिड पाउडर फॉर्म में है तो ये हमें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब मैं गैस को बंद कर दूँगी। नींबू का रस और सिट्रिक एसिड डालने की वजह से इसके अंदर चीनी के जो चंक्स नहीं बनेंगे और ये अच्छे से सेट रहेगा हमारा जैम। अब मैं इसको ठंडा करने के बाद आपको दिखाती हूँ। सिट्रिक एसिड डालने की वजह से ये इसके अंदर ना क्रिस्टल नहीं बनेंगे चीनी के और हमारा ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम इसको जार में भरेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जैम कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है, ये बहुत अच्छा बना है। अब मैं इसको बर्तन में डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ है। इसको बनाना बहुत आसान है। बेल का जैम बनके तैयार हो गया है। हमारा सिरफल का जैम बनके बहुत अच्छा जैम बना है हमारा, और बहुत टेस्टी भी है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया है, तो आप ये ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि आपका बेल का जैम कैसा बना। अच्छा बना तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।